समुदाय बुधवार को ईद उल अजहा मनाएगा। ख्वाजा साहब की दरगाह का जन्नती दरवाजा इस अवसर पर सुबह खुलेगा। मुख्य नमाज के सरगंज स्थित ईदगाह में शहर काजी मौलाना तौसिफ अहमद सिद्दीकी की इमादत में अदा की जाएगी। नमाज के बाद अकीदतमंदों के घरों पर बकरों की कुर्बानी देकर सुन्नते इब्राहिमी ताजा करेंगे। केसरगंज स्थित ईदगाह में दरगाह कमेटी की ओर से व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। मंगलवार को भोरा मुस्लिम समाज ने ईद उल अजहा का पर्व मनाया। सिनेमा रोड स्थित ताहिरी मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। हाजी मोहम्मद अली बोहरा ने बताया कि ईद उल अजहा की नमाज सुबह 6:15 बजे अदा की गई। पेश इमाम हुसैन भाई मिस्री 2 रकात नमाज अदा कराई। इसके बाद अकीदतमंद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारक दी। आज ईद उल अजहा का दिन है और सारे अजमेर के बोहरा समाज के लोग ताहिरी मस्जिद जो कैंडसपुरा सिनेमा रोड अजमेर पर है वहाँ ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद में जनाब हुसैन भाई साहब मिस्री ने उन मुल्क के वास्ते और अजमेर के वास्ते दुआ अर्ज करी। सब अमन अमान कायम रहे, सब खुशहाली से रहे, यही हमारी दुआ है और हम सब लोगों की यही दुआ है कि हिंदुस्तान अमन चैन और में कायम रहे और सब मिली भगत के रहे। वहीं बकरा मंडी में बकरा ईद के त्योहार को ध्यान में रखते हुए बकरे की खरीदारी और बेचने वालों की काफी संख्या में भीड़ देखने को मिली। ईद के मौके पर सभी ने अपना मनचाहा बकरा खरीदा और त्योहार की तैयारियों में जुट गए। अजमेर बकरा मंडी की जानिब से ईद उल अजहा की सभी शहरवासियों को दिली मुबारकबाद। अजमेर बकरा मंडी में काफी तादाद में बकरा आया हुआ है। यहाँ पर नागौर जिला, अजमेर जिला, दिल्ली, आगरा सब तरफ से बकरा है और अजमेर की आवाम ने काफ़ी बकरा लिया है। बरसात के कारण से काफ़ी फर्क पड़ा है, एक्सपोर्ट नहीं हुआ इस बार, एक्सपोर्ट में पाबंदी थी उसका भी काफ़ी असर हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कितना बकरा खड़ा है, कितना भी खड़ा है। इसका सारा फ़ायदा अजमेर की जनता को, किसानों कुछ भी नहीं, किसान को कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बरसात होने से लूंग वगैरह चारा जो है उसमें काफ़ी तादाद में बढ़ोतरी हुई है। अगर चारा बकरे को सही सस्ता मिलेगा, उसको खाने को मिलेगा तो किसान कमा। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।